finally I got this simple one. I think this is incredible because when I've taken the test ride of this, the Sonic mode is ultimate, which I've just taken the test ride. Price wise this is very very competitive, and I think as we are living in UP where roads are not that good in comparison to other, you know, maybe towns or cities, so I think it's going to work very very fine. जिसको पैसा अच्छा चाहिए और रेंज भी चाहिए तो फिर वो चीज़ें एक साथ नहीं फिट बैठती हैं, बल्कि रेंज अच्छी है, गाड़ी चलाने में भी बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है. जिसको भी बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए उसके हिसाब से बहुत ही बेस्ट गाड़ी, गाड़ी इज़ ऑसम, परफॉर्मेंस इज़ ऑसम, सोनिक मोड इसका खतरनाक है. So yeah, simple one was fantastic. The Sonic mode I couldn't try in this place too much, but I went to 70-60 kilometers. It was perfect. And the economy mode, it was quick, and the torque, yeah, of course 72 Nm torque is super. बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही चलाने में amazing experience है, और इसका Sonic mode तो बहुत बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन. Sonic mode तो उससे जबरदस्त है, मज़ा आता चलाने में. एक thrill जो होता है, adrenaline generate होता है body के अंदर, वो चला के generate हो जाता है. मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने के. फीडबैक मुझे जो दिया है मैंने वो भी अच्छा ही दिया है, और गाड़ी भी लुक वाइज अच्छी है, उसका सस्पेंशन भी अच्छा है, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है उसका, लाइटिंग भी अच्छी है, बूट स्पेस भी ठीक है. आगे ऑल कैसा चलता है वो देखना पड़ेगा. मैंने स्कूटी अभी तक ऐसी नहीं चलाई है, बहुत ही ज़ोरदार पिकअप है इसका. अभी तक मैंने ऐसी कोई भी स्कूटी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल, इतनी ज़्यादा ब्रेकिंग एज़ कम्पेयर. मैं तो आप चला रहा हूँ, लेकिन जो है इसकी ब्रेकिंग और सब कुछ बहुत अवेसम है, बहुत अवसम है. वैसे इसकी लुक की बात है, लुक इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइट, इंडिकेटर्स एंड फीचर्स, एंड डबल डिस्क भी है, आगे पीछे दोनों ही डिस्क है. बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई कैन से दिस इज क्वाइट एन इम्प्रेसिव वन. या थैंक्स अ लॉट.